हेलो पापा, मैं आपको मिस करती हूँ। आओ कोई आओगे जल्दी से आ जाओ। नहीं, रेस लगा देगी अभी। या तो किसी और का नंबर भी नहीं आने देख रहा बोलने का। ये क्या जुट्टा जुट्टा होके दिखा दी। अपने पापा को भी बोल लेना कुछ। सांस चढ़ गया। बोल तो सांस चढ़ गया। उधर तो सांस चढ़ गया। बैठ गई। अब बैठ गई आराम से। थक गई क्या? कहाँ गई? ये लो देखो। जब भी मैं घर पे वीडियो कॉल करता हूँ तो नंदिनी उछल कर फोन को पकड़ने की कोशिश करती है। अपने पापा को देख के बड़ा खुश होती है, उछल उछल के फोन की तरफ हाथ बढ़ाती है और मुझको देखकर मुझसे बात करते हुए बहुत ही खुश होती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 9 फरवरी सन 2021। चूँकि मंगलवार है तो सुबह के टाइम मुझे पूजा पाठ का भी काफ़ी काम रहता है आज, इसलिए। और एक हमारे साथी बरेली वाले टीचर का आज व्रत भी रहता है मंगलवार का, तो आज हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, सुबह नाश्ता नहीं बनाया था। रास्ते में ही नाश्ता भगवानपुर में करेंगे स्कूल जाते हुए। नहा धो के अपना काम सब बाकी निपटा लिया है मैंने, तैयार हो लिया है स्कूल जाने के लिए। और मेरा हेलमेट है और एक पासबुक है। आज पोस्ट ऑफिस भी जाना है, एक पॉलिसी की प्रीमियम मुझे आज जमा करनी है। तो बाकी रेडी हूँ अब मैं चलने के लिए। यहाँ से रूम से थोड़ा सा बाहर निकलूँगा तो रोड पे मिलते हैं हमारे साथी अशोक द्विवेदी। बाइक अशोक द्विवेदी और सुमनेश्वर के पास है, तो हम मेरे पास बाइक नहीं है इसलिए उन्हीं में से किसी के साथ जाता हूँ मैं स्कूल में। तैयारी है स्कूल चलने की। और अपने रूम से थोड़ा सा बाहर निकल के मेन रोड आ जाता है लखनऊ वाला, यहाँ तक मुझे पहुँचना होता है। उधर से अशोक द्विवेदी अपने रूम से निकलते ही फ़ोन कर देते हैं तो यहीं रोड पर हमें मिलते हैं। देखिए अशोक द्विवेदी आ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक मौतें बिना हेलमेट के कारण होती हैं। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। घर में हेलमेट लगाकर चलें तो बहुत अच्छी चलती है, ये हमारा आपसे विनती है। सड़क पर चलते समय आपके घर में आपके माँ बाप भाई बहन परिवार आपके इंतजार कर रहे हैं। आप लोग घर पहुँचें, सुरक्षित पहुँचें, हेलमेट लगाएं, सुरक्षित।
और सड़क सुरक्षा सप्ताह में प्राथमिक स्कूल के बच्चों की ये रैली देखकर मैंने भी फैसला किया है कि अब के बाद कभी बिना हेलमेट के ड्राइविंग नहीं करूँगा। हालांकि कभी जब बहुत थोड़ी दूरी तक जाना होता है तभी बिना हेलमेट के मैं जाता हूँ। स्कूल में जब भी हम जाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग दोनों लोग ज़रूर करते हैं। और स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग पास के एक प्राथमिक स्कूल में गए थे जहाँ एक पेंटर बाबू कार्य कर रहे हैं। चूँकि हमें भी अपने विद्यालय की दीवारों पर बाला पेंटिंग करानी है तो पेंटर साहब से कुछ बात करनी थी हमें। चलिए इन पेंटर साहब की पेंटिंग की कुछ झलकियाँ हम आप लोगों को दिखाते हैं। से हमारा आग्रह है, यूं ही नहीं बेवजह बड़ाई होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन ही सफलता की दवाई होती है। अजी भेजिए तो सही अपने लाडलों को स्कूलों में, कौन कहता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। फ्रेंड्स, हमारे सरकारी विद्यालय की ये पेंटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छुट्टी के बाद भगवानपुर में अपने स्टाफ के कई लोग हम इकट्ठा हुए थे तो सभी ने मिलजुल कर चाय नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग निकले अपने रूम के लिए।